जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार प्रबल मंथन में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके बहुत ही प्यारे से शानदार से जबरदस्त से साइंस के महामैराथन वाली या महामैराथन बोल रहा हूँ सॉरी महाभारत के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आप लोगों के वीकेंड क्लास होती है जिसमें कि सैटरडे और संडे को कुछ स्पेशल प्रश्नों को हम लोग करते हैं जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और हम सभी लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं जिसके चलते कुछ समस्याएं आपकी हो जाती है। तो आप सभी मेरे प्यारे साथी क्लास में आ जाइए क्योंकि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और बेहतर तरीके से क्लास में आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से प्रश्न के साथ। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है। मक्का में आपके सफेद कली नामक एक आपके समस्या होती है, आखिरकार वो किस तत्व की कमी से होती है। इस बारे में अगर बात करें तो क्या वो नाइट्रोजन की कमी से, क्या वो कॉपर की कमी से, क्या वो आपके मैग्नीज की कमी से, क्या आपके जिंक की कमी से। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रश्न के उत्तर की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जिंक के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो मक्के में आपको एक समस्या होती है तो मक्के में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है, जिंक। अब चलिए नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो पौधों की वृद्धि में अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन का काफी ज्यादा महत्व होता है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे पौधे आपके ज्यादा उर्वरित होते हैं, यानी कि उसकी उर्वरण क्षमता जो है वो आपके काफी क्या होती है, बढ़िया होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जहां पे जिस भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलती है तो वहां पे पौधे आपके बौने या अर्ध विकसित या कहे कि विकास ही नहीं कर पाते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जितने भी साथी हैं सभी लोग इस क्लास में बेहतर तरीके से बने रहेंगे। और देखिए अगला बात किया जाए कॉपर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कॉपर की कमी से आपको कौन सी समस्या हो जाती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो तांबे की कमी से ना एक समस्या होती है कि पौधों में अगर बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, पौधों के बारे में बात करें तो उसके कलर में अगर बात करें समस्या देखने को मिलती है और एक आपके क्लोरोसिस नामक समस्या हो जाती है। पौधे का रंग क्या हो जाता है हरे के जगह पर अगर बात करते हैं तो वहां पे पौधे के मुरझाने की बात करें या उसके सुखापन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मैग्नीज के बारे में मैं बताऊं तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि पौधों के बारे में बात करते हैं कि पर्ण हरिम के लिए अगर बात करते हैं, पत्तों के हरा करने के लिए अगर बात किया जाए तो उसमें आपके मैग्नीज की मौजूदगी की आपके योगदान होती है। अगर इसकी कमी अगर हो जाए तो पौधे का जो आपका क्या पत्ता होता है वो पीला रंग का हो जाता है और कुछ दिनों के बाद अगर बात करें तो वही पीला रंग भूरापन के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसको पढ़िएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, वन था। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर वन था। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि कर्नल ब्लंट के बारे में बात करें, कर्नल बंट रोग के बारे में बात करते हैं, ये आपके किसके चलते होता है, किसमें होता है भाई साहब। तो कर्नल ब्लंट के बारे में बात करें तो क्या जौ फसलों, क्या आपके गेहूं फसल, क्या बाजरा फसल, क्या आपके ज्वार फसल से संबंधित है। तो ये सारे मेरे प्यारे साथियों को पता होगा कि कर्नल बंट नामक रोग जो होता है ये आपके किस में होता है, गेहूं में होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये किस प्रकार का रोग होता है, क्या ये आपके कवक से होने वाला रोग है, क्या ये आपके फफूंद से होने वाला रोग है, क्या ये आपके जीवाणु से होने वाला रोग है, क्या ये आपके विषाणु से होने वाला रोग है। तो आप सभी लोगों को पता है कि फफूंद से होने वाला ये आपका गेहूं में एक आपका प्रमुख रोग के तौर पर देखा जाता है जिसको कर्नल बंट रोग के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि गेहूं का कुष्ठ रोग आपके कर्नल बंट रोग को ही कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए गेहूं का कुष्ठ रोग के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, गेहूं का आपके कुष्ठ रोग के बारे में बात करते हैं तो ये किसको कहा जाता है भाई साहब, तो कर्नल बंट को ही कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में हम आपको ले चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जरा सा आप लोग देखिएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में बात करते हैं, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है।
तो अगर आपसे पूछा जाए गेरुई के बारे में बात करें, गेरुई जो है ये गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल बात आपके सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगैती झुलसा के बारे में बात करते हैं, ये आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये बिल्कुल बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर बोला है कि झूठ कंड के बारे में बात करें, जिसको फॉल्स स्मट के नाम से जाना जाता है, क्या ये जौ में पाया जाने वाला रोग है? यही तो काम तुमने चौपट कर दिया रे भाई साहब, ये आपके किस में होने वाला रोग है भाई साहब? तो धान में होने वाला रोग है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। धान कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, किसका संबंध देखा जा सकता है? चावल के बारे में बात करें, और यहाँ पे बोला है कि खैरा इज अ डिजीज फाउंड इन अ पैडी, ये आपका बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, गेरुई के बारे में बात करें तो गेहूं में पाया जाने वाला ये आपका रोग है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ ये किसके चलते, ये इस रोग को कौन कॉज करता है, क्या कवक करता है, है क्या आपके किसके बारे में बात करें, जीवाणु करता है, क्या विषाणु करता है, क्या फफूंद करता है, तो ये आपको पता है कि ये कवक से होने वाला रोग है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगैती झुलसा के बारे में बात करते हैं तो ये आलू में पाया जाता है, ये भी कवक से होने वाला रोग है, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फॉल्स स्मट के बारे में बात करते हैं, ये तो पता चल गया कि धान में आपको क्या होता है, पाया जाने वाला रोग है, लेकिन ये किसके चलते होता है भाई साहब? तो ये भी आपके कवक के, किसके बारे में बात करते हैं, कवक के चलते होने वाला रोग है, इसको याद रखेंगे। और खैरा रोग के बारे में बात करते हैं तो धान में जिंक की न्यूनता हो जाने के चलते, किसके बारे में बात करें, जिंक की न्यूनता के चलते अगर बात करते हैं, न्यूनता होने के चलते अगर देखा जाए तो आपको धान में भी एक रोग हो जाता है, जिसको किसके बारे में बात करते हैं, खैरा रोग के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखो बाबू फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, गेरुई के बारे में बात करते हैं तो ये आपके कवक से होने वाला रोग है, किसमें ये रोग होता है भाई साहब, तो ये गेहूं में। अगर आपसे पूछा जाए अगैती झुलसा के बारे में बात करते हैं, ध्यान दे दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके कवक से होने वाला रोग है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं फॉल्स स्मट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, फॉल्स स्मट के बारे में बात करते हैं, तो ये भी आपके कवक से होने वाला रोग है, और इस ये आपके किस में होता है, धान में होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो अब तो आपको याद हो गया, मैंने क्या बताया भाई साहब कि जिंक की न्यूनता के चलते अगर बात करते हैं तो ये आपको एक रोग हो जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जब जिंक की कमी हो जाएगी तो खैरा रोग हो जाएगा, है? अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत न्यारा क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जरा सा आप लोग देख लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। चलेगा गेहूं का अनावृत कंडुआ के बारे में बात करते, ये भी आपका रोग है, ये आपके इसका उपचार क्या है भाई साहब, तो बीटा वैक्स के बारे में बात करते हैं, इससे इसका उपचार आपके संभव है। अगर बात करें मटर की चूर्णी आशिता यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बात करते हैं, ये आपके इससे इसका उपचार क्या है भाई साहब, इस रोग का उपचार कुछ ना कुछ तो होगा, तो सल्फेक्स के बारे में बात करते हैं, इसको याद रखेंगे। सब्जियों में आर्द्रपतन यानी कि डैम्पिंग ऑफ इन अ वेजिटेबल के बारे में बात करते हैं, तो इसका संबंध आपके मृदा का सौर ऊर्जीकरण के बारे में बात करते हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। खैरा डिजीज के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जिंक सल्फेट का यूज करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न के उत्तर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास 3142 के बारे में बात करें, तो अगर आपको गेहूं के बारे में बात करें तो लूज स्मट रोग हो गया, मटर में अगर बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हो गया, डैम्पिंग हो गया किसमें भाई साहब, सब्जियों की बात करें, खैरा डिजीज हो गया आपके किसमें भाई साहब, धान की बात करें, तो इसका उपचार क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो सल्फेक्स किसमें यूज किया जा सकता है, तो मटर की चूर्णी आशिता में इसका उपयोग करने पे आपका दूर हो जाएगी समस्या। फिर अगर गेहूं का अनावृत कंडुआ के बारे में बात करें तो इसके लिए बीटा वैक्स का यूज करना होगा। सब्जियों में आर्द्रपतन की बात करते हैं तो आपके सोयल सोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं,
फिर खैरा डिजीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिंक सल्फेट की बात की जाती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। किसी पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे डेड स्पॉट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? है अगर आपसे पूछा जाए तो अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी पौधे में पीली पत्तियों के बारे में बात करें तथा मृत धब्बे डेड स्पॉट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? क्या आपके फॉस्फेट के कमी के कारण, क्या आपके मैग्नीशियम के कमी के कारण, नाइट्रेट या पोटेशियम के कमी के कारण अगर बात किया जाए तो अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों कि ये आपके किसके चलते होता है तो मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। किसे किसी भी पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे जो आपको दिखाई देते हैं वो किसकी कमी के कारण दिखाई देते हैं तो आपके मैग्नीशियम की कमी के कारण आपको देखने को मिलता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पौधों में जो व्हाइट बड रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है तो अभी तो आपको बताया गया व्हाइट बड का मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं। अगर बात करते हैं तो ये आपके सफेद कली के बारे में बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा तो जिंक से हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए यहां तक की बातों में किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताओ। ये सारी बातें आप लोग समझ गए, खैरा रोग क्या होता है समझ गए, किसका उपचार क्या होता है समझ गए, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी बात आप समझ गए। आइए एक बार हम लोग इसका बेहतरीन तरीके से फिर से रिवीजन करते हैं। कौन से अगर बात करते हैं पौधों में आपके कौन सा रोग होता है और किसके चलते होता है तो धान में आपका क्या होता है खैरा रोग। आपने क्या पढ़ा कि धान में खैरा रोग जो है ये आपके जिंक की न्यूनता के चलते होता है, तो पहला तो आपका क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मटर के बारे में बात करते हैं तो इसमें मार्च रोग होता है और ये किसकी कमी के चलते भाई साहब तो मैग्नीज की कमी के चलते। तो आपको पता है कि जो आपका मटर होता है जिसको आप लोग खाते हैं उसमें एक बीमारी भी होती है जिसको मार्स रोग के नाम से जाना जाता है, ये किसकी कमी के चलते तो मैग्नीज की कमी के चलते होता है। नींबू के बारे में बात करें तो इसमें आपका डाइबैक रोग होता है और ये किसकी कमी के चलते होता है भाई साहब तो तांबा की कमी के चलते होता है, इसको याद रखेंगे। तो धान में खैरा रोग, मटर में मार्च रोग, नींबू में डाइबैक रोग, समझ गए। मक्का के बारे में बात करें तो व्हाइट बर्ड रोग, ये किसकी कमी के चलते भाई साहब तो जिंक के बारे में बात करें जिसको जास्ता कहा जाता है। आलू में आपका क्या होता है ब्लैक हार्ट रोग होता है, कौन सा ब्लैक हार्ट रोग की बात करें तो ये आपके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है और इस बात को मैंने कितना बार आपको न जाने बताया होगा, मुझे भी भाई साहब ये मतलब क्या ही बोलूं। सलजम के बारे में बात करें तो इसमें वाटर कोर बीमारी होती है और ये आपके मैंगनीज की कमी के चलते होती है। तो बताइए कि क्या ये आपको सारी बीमारियां याद हो गई, किसी को कोई दिक्कत कहीं पे भी समस्या कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझे बता दो, ठीक है। तो धान में खैरा, मटर में मार्स, नींबू में डाइबैक, मक्का में व्हाइट बर्ड, आलू का ब्लैक हार्ट रोग और सलजम में वाटर कोर होता है किसकी कमी के चलते, ये सारी की सारी बातें आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जरा पढ़िएगा क्वेश्चन को। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, पौधों के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना अच्छे तरीके से। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, किसमें प्रकट होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर बात करें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजनबी और बेहतरीन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको बनाना होगा कि पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहां प्रकट होते हैं तो ऑन द लोअर लिप्स के बारे में बात करें बिल्कुल भी नहीं सर, ऑन द लोअर एंड मिडिल लिप्स के बारे में बात करें बिल्कुल भी नहीं सर, ऑन द मिडिल लिप्स के बारे में बात करें बिल्कुल भी नहीं सर, ऑन द अपर लिप्स के बारे में बात करते हैं बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऊपरी पत्तियों पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले पौधों में गंधक की कमी के लक्षण आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं तो पौधों के ऊपरी पत्तियों में ये आपको देखने को मिलता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। ब्लैक रस्ट रोग नहीं होता है, ब्लैक हार्ट रोग होता है बाबू, ठीक है, ब्लैक हार्ट रोग होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और एक रोग होता है जिसको करनाल बंट रोग कहा जाता है, तो करनाल बंट रोग जो होता है वह आपके कहाँ पे हो गया था गेहूं में, और ब्लैक हार्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा तो अभी आपने पढ़ा ये आलू से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से, रस का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है बाबू, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे देना, ठीक है।
चलो अब देखते हैं कि हम लोग क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। देखो अगर आप लोग क्लास में जुड़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इस बात को मैं 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर इस क्लास में अंत तक जुड़े रह गए तो समझो कि आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखो भाई साहब, ऐसा होता है कि बहुत सारे आप लोग खेती करते हैं, मैंने भी किया, मैंने भी धान बोया है, मैंने भी गेहूं की कटाई की है, मैंने भी रोपनी की है, मैंने भी धान की पिटाई की है। मैं भी मेरे प्यारे साथियों सरसों के खेत में जाता था, सरसों को काटता था, ला के पीटता था, उससे तेल निकलता था, हम लोग पीते थे सरसों का तेल, आप लोग जानते होंगे। लेकिन देखिए भाई साहब, यहाँ पे फसल भी आया और यहाँ पे आपका वीड, वीड का मतलब खरपतवार। तो गेहूं में क्या पाया जाता है भाई साहब, तो फ्लेरिस माइनर के बारे में बात करें, बात सही है। लेकिन देखो धान के बारे में बात करें ना, इसका संबंध आपके किससे, बथुआ से, ये बिल्कुल बेमानी होगी। जब गेहूं के खेत में आप जाते हो तो उस समय गांव देहात में महिलाएं जो है, या हमारे मतलब आसपास की जो लड़कियां हैं, वो आपके बचपन में जब छोटी छोटी होती है तो धान में गेहूं के खेत में क्या करने जाती है भाई साहब, तो वहां पे जाती है वो साग खोटने के लिए। साग खोटने का मतलब समझते हैं, सरसों का, बथुआ का, ये सब आपके साथ। तो इसमें अगर बात करें बथुआ के बारे में बात करें ना, तो ये आपके गेहूं के खेत में देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात करते हैं, ये गेहूं के खेत में देखने को मिलेगा, धान के खेत में बथुआ आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसको ध्यान देना। मटर के खेत में आपको प्याजी देखने को मिलेगा, ये बात सही है। अगर बरसीम के बारे में बात करें तो उसमें कासनी देखने को मिलेगा, ये भी आपका सही है। लेकिन भाई साहब बथुआ के बारे में जब बात करते हैं, गेहूं में बथुआ होता है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा। जरा सा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। बोले कि पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। पौधों में अगर बात करते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ गुटी इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, किसके लिए लगाया जाता है। तो पौधों में गुटी लगाने का कार्य जो है कि किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, क्या कीटों के नियंत्रण के लिए, क्या वानस्पतिक प्रसारण के लिए, क्या बीजों के अंकुरण के लिए, क्या आपके खरपतवार के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जी जी जी, उसमें भी होता है, बहुत सारे में होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन वी हैव टू डिसाइडेड दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पौधों में अगर बात करते हैं गुटी लगाने का कार्य की बात करें तो कीटों के नियंत्रण के लिए बिल्कुल भी नहीं। फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करें, बिल्कुल बात सही है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों में गुटी लगाने का काम करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यानी कि वानस्पतिक प्रसारण के लिए इस प्रश्न का आंसर आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। भैया सरसों में भी बथुआ होता है, देखो बुर्बक बबनी है, चालाक बबनी है, तुमको मैंने क्या बताया कि बाबू जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है ना, उसको मैंने बोला कि यहाँ पे गेहूं में ये इसकी उपस्थिति हो सकती है, धान में नहीं हो सकती। होने के लिए तो और बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं, जो आपकी फसल है उसमें ये आपके अलग अलग प्रकार के खरपतवार शामिल होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना तुम चलोगे। समझ गए बाबू। चलो तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें। क्या गजब का क्वेश्चन भाई साहब, क्या गजब का क्वेश्चन आपके सामने, मेरा मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। क्या बोल रहा है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्यों भाई साहब, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई साहब है। अगर आप पूछा जाए कि अधिकतर रेगिस्तानी जो आपके पौधे होते हैं इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो ये आपके रात के समय पुष्पित होते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि बोल रहा है कि फूल खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है, इसी के चलते भाई साहब रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, गलत बात है। वे चंद्रमा की दशाओं के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल गलत बात है। रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं, गलत बात है। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इस बात से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के उत्तर की तरफ जाएं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये मार्केट में सबसे नया क्वेश्चन, द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रेगिस्तानी आपके कीड़े होते हैं वो रात के समय ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा, जरा सा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे, बताइए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है।
पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात करें के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम आपके पास क्या हो सकता है। आज बहुत डेंजर हो गया, पैर उड़ में दो तीन जगह भाई सब उड़ा उड़ा हो गया, अचानक दाल बन रहा था और उसको नहीं होता है उसको उठाने के समय उठाया बस पूरा एकदम गर्म दाल पूरा हाथ और पैर पे गिर गया, पैर में भी दो तीन जगह फोड़ा गया है और हाथ में भी धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे सामना किया जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या आपके पौध के नवोद्भिद की बात करें, फिर उसके बाद भ्रूण का बनना, फिर आपके परागण, फिर निषेचन, और इसके बाद अगर बात करते हैं निषेचन के बारे में बात करते हैं उसके बाद युग्मज का विभाजन की बात करें तो ये आपका गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात करें यानी कि भ्रूण का बनना, पौध, फिर उसके बाद परागण, फिर निषेचन, फिर युग्मज का विभाजन के बारे में बात करते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है। अगर बात करते हैं लैंगिक जनन में तो सबसे पहले परागण की क्रिया, फिर निषेचन, फिर युग्मज का विभाजन और फिर भ्रूण का बनना, तब आपके पौध की बात करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करिए, आपको दिखाई दे रहा है साहब है, अगर बात करते हैं बोला है कि निम्न में से अलग को चुनिए, बडिंग के बारे में बात करें, फिजन के बारे में बात करें और उसके बाद गैमेट्स के बारे में बात करते हैं और पुनरुत्पादन के बारे में बात करते हैं यानी कि रीजेनरेशन के बारे में बात कर रहा है, गैमेट्स के बारे में बात कर रहा है, बडिंग या फिजन के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से अगर बात किया जाए तो कौन जो है आपका डिफरेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसमें से कौन आपके क्या है अलग है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पे आपके गैमेट्स के बारे में बात करें तो ये इसका सही जवाब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है ये आपके लैंगिक जनन की विधियों के बारे में अगर बात करते हैं इसको आप लोग, हाँ कोलगेट हटा दिया क्योंकि सामने से आने पर अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने कोलगेट को हटा दिया। तो इसके बारे में बात करते हैं तो गैमेट्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बाकी ये जो है आपके रीजेनरेशन, बडिंग और फिजन के बारे में बात करें तो ये आपके एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। किसको एकल अगर बात करते हैं, एकल आपके किसके बारे में, जीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। इसके बारे में बात कर रहे हैं बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। इनमें से कौन सा पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, इनमें से कौन सा आपके पादप हैं जो कि आपके किसके बारे में बात करते हैं, जो कि आपके पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। तो क्या आपके बोगनविलिया है, क्या आपके कार्नेशन है, क्या कोको है, क्या आपके अंगूर है, इसके बारे में बात करें तो ये चारों के चारों आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि विच ऑफ दिस प्लांट्स आर प्रोपागेटेड बाय स्टेम कटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये आपके सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा कलम द्वारा आपके संवर्धित नहीं होता, कौन सा एक पौधा है जो कि कलम के द्वारा संवर्धित नहीं होता। तो क्या गुलाब, तो ये तो कलम के द्वारा संवर्धित होता है, आपके ब्रायोफिलम की बात करें ये भी होता है, गेंदा भी होता है, लेकिन केला के बारे में बात करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट कर लेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग पढ़िए और बताना है कि इनमें से कौन सा आपके कायिक प्रवर्धन के संबंध में आपका क्या है सही है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड आपके कौन कौन से स्टेटमेंट आपके जो है वो आपके इसमें सही है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में जानना चाहें तो बोला है कि कायिक प्रवर्धन कोलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोड्यूस कोलोनल आपके पॉल्यूशन, तो ये बात सही है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, ये बिल्कुल गलत बात है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर के बारे में बात करते हैं
यानी कि इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 1+3 इस प्रश्न का सही आपके जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो आप सभी लोगों को इस बारे में याद रखना है और बेहतर तरीके से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आप लोग पढ़िए। बोला है कि एन इरेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि जनन की एक अनियमित विधि जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अगर बात करते हैं उसे क्या हम लोग आपके क्या पार्थोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या उसको एपोगैमी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या इसको स्पेरोफिटिक आपके बडिंग कहा जाता है, ये भी बात सही है। यानी कि इसके बारे में बात करते हैं तो 1+2+3 तीनों के तीनों आपके इसके अंतर्गत सही आएंगे। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो अगर बात करें, बोल रहे हैं कि जनन की एक अनियमित विधि जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है क्या कहलाता है, क्या उसको पार्थोजेनेसिस नहीं कहा जाता है, क्या उसको एपोगैमी नहीं कहा जाता है, क्या इसको स्पोरोफिटिक बडिंग नहीं कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, इसको जरा सा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोपागेशन ऑफ प्लांट थ्रू सीड डिस्पर्सल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से कौन आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर आप लोगों से बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फंगस के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्न के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। किसके बारे में बात करें, फंगस के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलेगा कितना तक हुआ था भाई साहब, एक बार देख लीजिए कितना तक हुआ था, एक बार देख लीजिए, एक सेकेंड आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 इधर कहां से लगे, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किसके तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ चलेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पौधों से रिलेटेड आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलम बंध तकनीक द्वारा होता है, क्या ये बात सही है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कि क्या आपके दोनों में से कौन से स्टेटमेंट आपके सही होंगे। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन हूबहू कराया भी है कि मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलम बंध तकनीक के द्वारा होता है और चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न के उत्तर की तरफ जाएं तो 1 और 2 बोथ आर आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। अगर बात करते हैं गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों के युग्मकोद्भिज के बारे में बात करते हैं, जिसको गैमेटोफाइट कहा जाता है, ये क्या होते हैं, क्या ये आपके हैप्लोइड होते हैं, क्या ये आपके टेट्राप्लोइड होते हैं, क्या डिप्लोइड होते हैं, क्या पॉलीप्लोइड होते हैं, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग बता दीजिए। तो बोला है कि लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपके हैप्लोइड होते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ग्रैप उसको मतलब कलम बंद के बारे में बात करते हैं, मतलब उसका कॉलम लगाया जाता है, नहीं होता है जैसे आपने लीची के बारे में देखा होगा। तो आप जब जाएंगे मतलब क्या बोलते हैं नर्सरी और स्टडी में जब जाएंगे तो लीची के जो पौधे होते हैं वो कैसे आपके विकसित किया जाते हैं, तो उनको भी कलम प्रणाली के तरफ से अगर बात करते हैं, उसके कुछ आपके डालियों की बात करते हैं, वहां पे कुछ रख के उसको मिट्टी के साथ बांध दिया जाता है और खुद ब खुद वहां पे क्या होता है जड़ पनप जाता है और उससे भी एक पौधे का आपका विकास हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे आपके पौधे बनने लग जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरीके को आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जरा सा आप लोग पढ़िए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी कर देंगे। बोला है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन जो है आपका सही है, जरा सा पढ़िएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर करेक्ट, यानी कि बोल रहा है कि पुंकेसर जो है ये पुष्प के केंद्र में विद्यमान होता है। बिल्कुल बात सही है, है स्टेमेन के बारे में बात करें, ये आपके कहां पे सेंटर ऑफ अ फ्लावर, इसमें आपके क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे इसका स्टेटमेंट और भी है, इसको भी आप लोग पढ़िए। अगला स्टेटमेंट इसमें क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि पुंकेसर जो है ये अंडाशय में परागकण उत्पन्न करता है, ये बात भी आपका क्या है सही है, पुंकेसर अंडाशय में परागकण उत्पन्न करता है, अंडक का फूला हुआ तल भाग अंडाशय है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। बोला कि जनन कोशिकाओं के संलयन से युग्मज उत्पन्न होते हैं, यानी कि द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स गिव्स राइज टू जायगोट के बारे में बात करें, यानी कि ये सारे के सारे दिए गए ऑप्शन जो है ये सारे के सारे आपके क्या है सही है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंसंट्रेशन अगर नहीं रहेगा तो फिर आपसे ये सारे प्रश्न शायद ही बन पाएंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 22, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, एक बार इसको बेहतर तरीके से अपने घर पे बैठ के इसका रिवीजन जरूर कर लेना। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए, चमेली की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं, गन्ना की बात करें। बोला कि उपयुक्त पादपों में से कौन सा या कौन से वानस्पतिक विधियों से प्रवर्धित किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एबव प्रोपागेटेड बाय वेजिटेटिव मेथड की बात करते हैं, तो कौन है भाई साहब, जैस्मिन की बात करें, टर्मरिक की बात करें, या आपके सुगर केन के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे जल्दी से सभी साथी मुझे बता दीजिए भाई साहब। इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैस्मिन के बारे में बात करते हैं तो ये वानस्पतिक विधियों से प्रवर्धित किया जाता है, ये गलत है। सुगर केन के बारे में बात करें तो ये सही है, हल्दी के बारे में बात करें तो ये भी सही है, यानी कि बोथ टू एंड थ्री आर राइट, ये तीनों के तीनों आपके सही नहीं है, क्योंकि चमेली के बारे में बात करते हैं तो ये आपके प्रोपागेटेड बाय वेजिटेटिव मेथड का ना सही नहीं होगा, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें, प्लांट लाइक मदर प्लांट इज फाउंड फ्रॉम, यानी कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे भाई साहब, बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं, अगर बात करते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे। आप सभी लोग इस प्रश्न को देखिए, ये मैंने आपको कभी कराया भी होगा, बोला कि माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, किससे मिलता है, बीजों से मिलता है, बिल्कुल भी नहीं है, ट्रंक कट से मिलता है, बिल्कुल सही, यानी कि अगर बात करें तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो याद रखना है कि प्लांट लाइक मदर प्लांट इज फाउंड फ्रॉम, ट्रंक कट की बात करें यानी कि तना कट से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर बात करते हैं 24 के बारे में बात करते हैं, थोड़ा आपको टफ जरूर लग रहा होगा, थोड़ा बिना मतलब का जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोष से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो क्या इसको ऑटोगैमी कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या उसको किसके बारे में बात करें, जीटोनोगैमी कहा जाता है, ये आपका सही बात है, क्या किसके बारे में बात करें, जीटोनोगैमी यानी कि सजात पुष्पी परागण के नाम से इसको जाना जाता है। क्या क्वेश्चन था आप लोग समझ गए, एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोष से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो किसके बारे में बात करें, जीटोनोगैमी के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई साहब, तो 25, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर आप विचार कीजिए, कौन सा जीव है, चमगादड़, कौन सा जीव है, मधुमक्खी और पंछी, उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है, यानी कि कौन आपके पोलिनेटिंग एजेंट के तौर पे देखा जाता है, तो इसमें चमगादड़ भी आएगा, मधुमक्खी भी आएगा, पक्षी भी आएगा, तो मुझे तो लगता है कि इसमें तीनों के तीनों आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द एबव इज आर, ये एबव इज या आर पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, तो परागणकारी के तौर पे चमगादड़ भी देखा जाता है, मधुमक्खी भी देखा जाता है और पक्षी भी देखा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अब आप लोगों का
सबसे फेवरेट सेशन, और देखिए अब आप लोग कैसे आंसर बताओगे, एकदम फटाफट आंसर फेंकोगे, मुझे पूरा पता है, एक भी साथी गलत नहीं करेगा। मलेरिया रोधी दवा पुनेर एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या? इसलिए मैंने कुछ जो टफेस्ट चीज था उसको बीच में एड ऑन कर दिया था कि आप लोग उस चीज को झेल पाए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मलेरिया रोधी अगर दवा के बारे में बात करें, पुनेर एक पौधे से बनाई जाती है, किसके? सिंकोना की छाल से। तो किसके बारे में बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके? सिंकोना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखो आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना। सिंकोना पौधे के किस भाग से पुनर प्राप्त किया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि सिंकोना जो है ये स्टेम बार्क यानी कि तने के छाल से इसको प्राप्त किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप मेरे सभी प्यारे साथी बता सकते थे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 28। एकदम देखो जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, कोई चीजें टफ मिलती है ना तो उसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। और मैं जान के टफ चीज आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ ताकि आपका पेशेंस मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप सच में किसी भी चीज को पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। जो आपके एग्जाम में आता है उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको खुश करने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ भी पढ़ा दूं तो आपको पता क्या चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है, उसका तरीका क्या हो सकता है पूछने का। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सीखेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं सीखेंगे, मेरा क्या ले जाएंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो ये तो मेरे प्यारे सभी साथी देखो कोई भी अब क्वेश्चन जो आएगा सारे के सारे आप लोग पढ़े हैं, तो इसके बारे में बात करें तो लेमन घास के बारे में बात करें, कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, नट घास, ये सारे के सारे गलत है, इसका संबंध लेमन घास से, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अफीम का वानस्पतिक नाम के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या है? अफीम के वानस्पतिक नाम के बारे में बात करें तो आप लोग बताइए क्या इसका नाम एम्बेलिका ऑप्सिनेलिसिस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका नाम पैपावर सोमनीफेरम है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और मेरे प्यारे साथियों अफीम का वानस्पतिक नाम जो है उसका नाम क्या है? पैपावर सोमनीफेरम के बारे में बात करें। बाकी ये सारे के सारे बिना मतलब के ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल चुका है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अब आपके पास मैं एक डाटा लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग तो बहुत लापरवाह है, आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, मुझे किसी ना किसी तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा, और इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से जरा ध्यान दे दीजिए तो आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं पौधा का नाम दिया है और यहाँ पे आपके इसका वनस्पति का नाम, तो चलिए सोयाबीन के बारे में बात करें तो ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है, ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं, ग्लाइसिन मैक्स के बारे में बात करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला को हटा दीजिएगा, ठीक है, ये बिना मतलब का इसमें एड ऑन हो गया है, इसको हटा दीजिएगा आप लोग। चलिए अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सोयाबीन के बारे में बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, इसको याद रखना है। नारियल के बारे में बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम कोकोज न्यूसीफेरा है। मूंगफली के बारे में बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम एराकिस हाइपोजिया है, इसको याद रखेंगे। पपीता के बारे में बात करें तो इसका आपके वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है, इसको याद रखेंगे। मक्का के बारे में बात करें तो जिया मेज है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे तो एक मक्का याद कर ही लेना, साथ ही साथ आप नारियल को याद कर लेना, साथ ही साथ सोयाबीन को, मूंगफली भी, पपीता भी, सब याद कर लो, यानी कि सारे कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन के बारे में बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। नारियल की बात करें तो कोकोज न्यूसीफेरा है। मूंगफली की बात करें तो एराकिस हाइपोजिया है। पपीता की बात करें कैरिका पपाया है। मक्का की बात करें तो जिया मेज है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इस बारे में इसमें रॉन्ग राइट नहीं बताना, ये तो आपको मैं ये एक एक्सटर्नल चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मैंने यहाँ पे डाटा रख दिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए कि इसमें क्या क्या बातें आपकी आ सकती है, ठीक है। तो इसको बार बार बोलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा ताकि चीजें आपको याद हो जाए। चलिएगा भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। बोला है कि मच्छर क्राइल में प्रयोग होने वाला क्वाइल लिखना चाहिए, तो क्राइल लिखा गया है, तो चलिए कोई बात नहीं चल जाएगा। मच्छर क्वाइल के बारे में बात करते हैं, मच्छर क्वाइल यहाँ पे लिख लीजिए भाई साहब, मच्छर क्वाइल के बारे में बात करते हैं, में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है, किससे भाई साहब?
तो एक बीज पत्रीय पौधे से, एक आपके कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। तो बताइए अगर पायरेथ्रियन के बारे में बात करते हैं तो ये आपके एक बीज पत्रीय पौधे से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं और ये आपके मच्छर भगाने में इसका प्रयोग होता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बहुत सही आप लोग जा रहे हैं, हमसे मेहनत करवा के आप लोग खूब सो रहे हैं और क्लास में देखिए कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। आप लोग कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आप लोग मेरा मन रखने के लिए आके क्या बोलेंगे कि मैं किसी काम में व्यस्त था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। वो सबके साथ मजबूरी है, मैं मानता हूँ कि एक दो के साथ समस्या हो रही होगी या कोई काम में कोई बिजी होगा, लेकिन यहाँ पे 5 लोग वाचिंग कर रहे हैं, बताइए। चलिए खैर कोई बात, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जा रहा है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या मेथोल है, क्या आपके मेथेनॉल है, क्या आपके बेंजाल्डिहाइड है, क्या आपके यूजेनॉल है? तो आपकी अगर बात करते हैं लौंग के बारे में बात करते हैं तो इसका आपके प्रमुख घटक के तौर पे यूजेनॉल को देखा जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सही जा रहा है आप लोग, बहुत सही। और लौंग के बारे में बात करें, इसकी ज्यादा अधिकता आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो केरल के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता क्या है? रासायनिक रूप से जो रेशम के रेशे होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? क्या वो आपके प्रोटीन होते हैं, क्या वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या वो आपके लिपिड होते हैं, क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रोटीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता क्या होते हैं? तो ये आपके प्रोटीन होते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कराया है और देखते हैं कि इसमें से कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है। ब्राह्मी के बारे में बात करें, सदाबहार, पुदीना और तुलसी। अच्छा, तुलसी का यूज किसके लिए किया जाता है? तो आप लोगों को पता है किसके बारे में बात करें? एस्पेक्ट्रोंट के बारे में बात करते हैं, इसको याद रखेंगे। यानी कि डी का आपके पास क्या हो जाएगा? 3। तो देखिए तो डी का 3 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। सी के बारे में बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? वातहर के बारे में बात करें, कार्बिनेटिव के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि सी का क्या हो गया? 2 हो गया। बी के बारे में बात करें तो इसका संबंध एंटी डायबिटिक यानी कि मधुमेह प्रतिरोधी का प्रयोग इससे किया जाता है। अगर बात करते हैं ब्राह्मी, तो ब्राह्मी के बारे में बात करें तो ब्रेन टॉनिक के तौर पे अगर बात करें तो आप इसको देख सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 4.23 इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 34। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अगर बात करते हैं बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके कौन होती है? मधुमक्खियों के बारे में बात करते हैं तो ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में माहिर होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बता दीजिए। चलिए सब लोग ठीक है, सैटरडे संडे को क्यों ही पढ़ना है, थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, हम जैसे पागल सब लोग थोड़े ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरियों और अंगोरा खरगोश के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। यानी कि बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है? बिना मतलब के है। और इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, आपसे क्या पूछ रहा है कि नोस्का पीन किससे प्राप्त होता है? किसके बारे में पूछ रहा है? नोस्का पीन के बारे में बात करते हैं, किससे प्राप्त होता है? तो क्या आपके इफेड्रा से प्राप्त होता है, क्या आपके यूकलिप्टस से प्राप्त होता है, क्या आपके बेसिल यानी कि तुलसी से प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नोस्का पीन के बारे में बात करें तो पोस्ता या पापी इसके के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? पापी के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये ड्रग्स में यूज होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इससे बहुत गंभीर आपके नशा होता है, इसको भी नोट कर लेंगे। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? बताइएगा किस एक की खेती एथेनॉल के लिए? तो भाई साहब जेट्रोफा की बात करें, नहीं है, तो बायोडीजल है। पैंगामिया के बारे में बात करें, सूरजमुखी के बारे में बात करें, ये सारे बिना मतलब के ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? मक्का इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद रखिएगा।
अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देख रहे हैं मैंने क्या बोला था कि अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अफीम का मुख्य अव्यय के तौर पे आप लोग किसे देखते हैं? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग अफीम का मुख्य अव्यय के तौर पे आप किसको देखते हैं, तो मॉर्फिन के बारे में बात करें, और ये बहुत ही खतरनाक ड्रग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब, किसके बारे में बात करें, 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है कि शहतूत साल बनाई जाती है। आप लोगों को मैंने उसी दिन बताया था, पुंगल के बालों से नहीं, चिंकारा के बालों से नहीं, चीरू के बालों से बिल्कुल बात सही। और ये कैसे बनाया जाता है, तो इन लोगों को मार कर क्या किया जाता है भाई साहब, इनके ऊन के बारे में बात करते हैं, इनके बालों से अगर बात करते हैं तो आपके क्या बनाई जाती है, शहतूत साल। और इस पे क्या कर दिया गया है, अब आपके रोक लगा दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये चीरू क्या है भाई साहब, तो ये आपके हिरण की एक आपकी प्रजाति है, इस बात को आप लोग जानते हैं, ये हिरण की क्या है, एक प्रजाति है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसकी अवस्थिति आपके कहाँ पे देखने को मिलेगी भाई साहब, तो ये आपके तिब्बत के बारे में बात करें और तिब्बत के साथ साथ आपके लद्दाख के बारे में बात करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं, तो ऊंट अपने गोबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊंट अपने गोबर का उपयोग जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए, वसा के संग्रहण के लिए, बिल्कुल बने। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो जल के संग्रहण के बारे में बात करते हैं, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके जल के संग्रहण के लिए नहीं भाई साहब, अपने कुबर का उपयोग पूछ रहे हैं, वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड, अपने कुबर का उपयोग जो है ये वसा के संग्रह के लिए करता है। इसके लिए भाई साहब ये कुबर के उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके वसा के संग्रह के लिए करता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरा दिमाग इधर उधर उड़ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, स्टोरिंग पैड के बारे में बात करते हैं, ये नहीं होगा ना, ये कुबर का प्रयोग पूछ रहा है किस लिए किया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। तो कुबर का प्रयोग जो है ना ये वसा के संग्रह के लिए करता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड आपके अलग क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे कंफ्यूजन तो होने में देता नहीं क्योंकि अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह करते हैं? तो आंत्र यानी इंटेस्टाइन की बात करें तब यहाँ पे ऊंट का बात आ जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक के लिए आपसे माफी चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं, ऊंट के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ गया, 42, पढ़िएगा। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है, औषध निर्माण समवाय के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार का दावा किया जाता है किसके बारे में, तो क्या ब्लड प्रेशर का, क्या आपके मलेरिया का, क्या यक्ष्मा का, नहीं भाई साहब ये किसके, तो मधुमेह में अगर बात करते हैं इसके इलाज के लिए ये आपको देखने को मिल सकता है, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 43, बोला कि नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है, किसके बारे में बात करते हैं, नीम के वृक्ष के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है ये आपके जैव कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के स्रोत के रूप में, ये आपका तो होगा नहीं, प्रजनन रोधी यौगिक, जैव उर्वरक और कैंसर रोधी औषधि के रूप में, ये भी आपका होगा नहीं, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो दिए गए दोनों के दोनों ऑप्शन इसके रिगार्डिंग आपके क्या है, गलत है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करें तो डलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से आपके संबंधित है? तो डलबर्जिया जाति के बारे में बात करें तो क्या आपके काजू से संबंधित, क्या आपके कॉफी से संबंधित है, क्या चाय से संबंधित है, ये आपके जो है शीशम से संबंधित है, इसको आप लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है सर। तो ये आपके किससे संबंधित है भाई साहब, ये आपके शीशम से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसके बारे में बात करें, इस प्रकार के जब क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा हंसेगा वो, देखो किस तरीके से इसकी हंसी आएगी, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 अगर बात करें तो आप लोग बताइए जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर आप विचार कीजिए। अगर बात करें बैक्टीरिया, कवक और पुष्पीय पादप,
यानी इसके बारे में बात करें, उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किन की कुछ जातियों को जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे, जल्दी से जितने भी साथी हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए। एक एक साथी का आंसर आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, जीवाणु, अगर बात करें फंगाई यानी कि कवक या फ्लोरिंग प्लांट, इसके बारे में बात करें तो इन आपके जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो केवल वन गलत, दो और तीन गलत, एक और तीन गलत, यानी कि बात करें तो एक दो तीन, ये तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे भाई साहब, अदरक के प्रकंद से, बिल्कुल गलत, डहेलिया के जड़ों से अगर बात करते हैं तो इंसुलिन की प्राप्ति होती है, और ये बात बिल्कुल आपके क्या है 110% आपके करेक्ट है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंसुलिन प्राप्त होता है किससे भाई साहब, तो जिंगर राइजोम के बारे में बात करें, नहीं, डहेलिया रूट्स की बात करें, ये बिल्कुल आपके बात सही है। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को इस बात को ध्यान रखना होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक की चीजें समझ गए, अब आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 47। बोला कि कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए आपके प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। आपको मैंने बताया है कि नहीं ये भी बताइएगा, मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या आप सिनेरिया का यूज करते हैं, क्या ल्यूटिविट का यूज करते हैं, क्या ग्लेस की बात करें, नहीं भाई साहब, इसमें अगर देखा जाए तो आर्टिथर। और इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपका चेहरा कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि आपको इस प्रश्न का उत्तर 110% पता होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये डहेलिया एक आपके पौधा होता है, ठीक है ना, उसके प्रयोग के बारे में बात करें, उस डहेलिया की अगर बात करते हैं पौधे से, इसके बारे में बात करें, डहेलियों की जड़ों से इसका आपके निदान खोजा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 48, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है कि सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो आपका कौन है। इसके बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है, क्लोरोक्विन के बारे में बात करते हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब इसका प्रयोग हम लोग मलेरिया के उपचार में करते हैं, इस बात को आप लोग भी जानते होंगे मुझे जहां तक जानकारी आ रही है। चलेगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 49, क्वेश्चन नंबर बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा 49 चलेगा, निम्नलिखित पर आप विचार कीजिए, कपूर की बात करें, काश्मीर यानी कि चिकोरी, वनीला की बात करते हैं, उपयुक्त में से कौन से पादप उत्पाद है। तो पादप उत्पाद के तौर पे अगर बात करें तो ये तो मुझे लगता है कि तीनों के तीनों आपके क्या देखने को मिल सकते हैं, पादप उत्पाद के तौर पे देख सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसके तौर पे पादप उत्पाद के तौर पे तीनों के तीनों आपके देखे जा सकते हैं, जिसमें कि कैंपर, उसके बाद अगर बात करते हैं चिकोरी, और आपके वनीला के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आपके स्क्रीन पे, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके बारे में बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो कैफीन के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 और आज का ये लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51 और आज का ये लास्ट प्रश्न, और बताइए कि आपको ये सेशन अच्छी लगी या नहीं लगी, बोरिंग लग गई क्या आप लोग बताइए, तो जरा बोरिंग लग गई क्या। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा। अगर बात करते हैं देखिए ओपियम के बारे में बात करें तो ये फल के तौर पर देखा जाए है, अगर बात करते हैं ओपियम के बारे में तो ये फल के तौर पर देखा जाएगा, हींग के बारे में बात करें तो ये रूट के तौर पर, रबर के बारे में बात करते हैं तो ये आपके किसके तना के तौर पे, कुनेन के बारे में बात करते हैं तो ये आपके छाल के तौर पे, तो ए के बारे में बात करें तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, अफीम के बारे में बात करें तो ए का 3, बी का क्या हो जाएगा भाई साहब 2 हो जाएगा, सी के बारे में बात करते हैं तो सी का क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3, 2, 4, 1 की बात करते हैं, इस प्रश्न का आपके पास सही जवाब हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन जो है, आज के जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके के आपके क्वेश्चन सारे के सारे हैं,
और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, और कम से कम इसमें अगर बात करें 80-90% क्वेश्चन आपके प्रीसीएस एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है। इसके बारे में बात करें 80-90% जो इसमें आपके हैं वो पीसीएस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। आज थोड़ा सा एनर्जी या थोड़ी सी लटपटाहट वाली समस्या पता है क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा यह हाथ में भी वो थोड़ा सा कमजोर फोड़ा हो गया और पैर में तो आपकी 2-3 जगह हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। ये तो मतलब गनीमत है कि उसी समय में पूरा कोलगेट पूरा लगा लिया था, ठीक है, तो पूरा कोलगेट से इसको मैंने भर दिया था ताकि कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। थोड़ी सी जलन हो रही है लेकिन उससे उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, और वो भी लेफ्ट में हुआ, राइट में कहीं आपको राइट में नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि सब ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ये पीडीएफ भी चाहिए होगी तो इस पीडीएफ को भी मैं दे देता हूँ, ताकि देखते हैं आज अगली क्लास में दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये तो भाई साहब आपको बताएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी के लिए आप सभी लोग इस आपके परिवार के साथ जुड़े रहिए, और आपको एक टास्क दिया गया है, ठीक है जी, जो कि प्रबल सर के द्वारा ये टास्क दिया गया है, उनकी थोड़ी सी तबियत लेकिन आज हमको लगता है कि वो आपकी क्लास को लेंगे। नहीं, ये बैंड इसलिए लगाया ना कि ब्लैक लगाने से थोड़ा सा नजर उजर कम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहन लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से मेहनत कीजिए, पढ़िए जम के जबरदस्त तरीके से। देखो, मैं ये सोच के आता ही नहीं हूँ कि मेरी क्लास में 1,00,000 लोग आएंगे, ठीक है, मैं यही सोच के आता हूँ कि आज मेरी क्लास में कोई नहीं आएगा, तो जितने भी साथी आए सभी लोग सीख के जाएं, ये मेरा हमेशा से प्रयास रहता है और इसमें मैं हमेशा लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिले, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो बाकी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस क्लास में आए, और आप सभी लोग जो भी साथी आपके पास समय नहीं मिल पाया हो इस क्लास को लेने के लिए, तो ऑफलाइन कमेंट के माध्यम ऑफलाइन क्लास आप लोग इसका लेके इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने आज तक कभी अपने जिंदगी में नहीं देखा हुआ, ठीक है जी। हाँ चलिए, सही बात है, ये बात भी आपने सही बोली, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलेगा, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।